दोस्तों अमूमन देखा होगा आपका जो प्रैक्टिशनर या जो डॉक्टर से वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन से हवा निकालते हैं, उसके अंदर एक बूंद भी हवा नहीं रखते। अगर होगा वो, अगर इंजेक्शन आपको है ना हवा का दे दिया जाए तो। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, और हमेशा ही आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता हूं। तो प्रैक्टिशनर जो भी होता है, जो भी इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है आपको डॉक्टर से, नर्स है या फिर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिशनर से, वो क्या करता है, जब भी कोई दवा इंसर्ट करता है, उसको पुल करता है, तो फिर है ना उसको एयर बबल जो होता है ना उसको रिमूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आपके आईवी लाइन के थ्रू कोई एयर एम्बोलिज्म या कोई एयर चली जाती है तो वो आगे जाके क्या करती है, एयर एम्बोलिज्म क्रिएट करता है, जो कि रक्त का थक्का भी कहा जाता है। और वो रक्त का थक्का आगे जाके क्या करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला है, बहुत ही माइनट क्वांटिटी में दैट विल बी मैनेज। अगर आपको पता है ना कहीं से पानी लीक हो रहा होता है ना, तो अपन क्या करते हैं वहां पे कुछ चिपकाने का लगाते हैं ना, तो वही अपनी बॉडी में होता है। आप जिसे फ्लो दे रहे हैं ना, इंसर्ट कर रहे हैं ब्लड के साथ में, अगर उसमें एयर चली जाती है ना, तो वो अगर कोई बड़ा बबल चला जाता है तो वो धीरे धीरे स्लोली आपके हार्ट पे पहुंच जाएगा, और हार्ट में पहुंचने के बाद ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो एक सडन कार्डियक अरेस्ट आता है ना, तो वो ही होगा, क्योंकि हार्ट बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशंस को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, आपका प्रैक्टिशनर इसीलिए है ना, और आपको विदाउट किसी, बिना हेल्प ऑफ प्रैक्टिशनर के कोई किसी भी तरह का कोई ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको ना डायरेक्ट पुश कर रहा है एयर, मतलब आपकी ना जान पे खेल रहे हो आप, एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, एयर एम्बोलिज्म होगा तो आपको पता है ना कितनी ज्यादा दिक्कत, ज्यादा क्या, तो जान से चले जाओगे ना। तो आपको हमेशा ही आपके एक प्रैक्टिशनर जो है ना वेल ट्रेंड होना चाहिए, आपको भी अवेयर होना चाहिए कि भाई कोई एयर बबल तो नहीं है। अगर कोई आईवी लाइन चल रही है और उसमें एयर बबल आ रहा है तो आप उसको बोलिए, आप इसको रोक दीजिए, उसके बाद में फिर इस एयर बबल को डिस्कार्ड करिए, फिर आप मुझे इंसर्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपकी जान का मैटर है ना, उसकी थोड़ी सी लापरवाही प्रैक्टिशनर की आपकी जान ले लेगा, और एक परिवार के लिए आप तो सबसे बड़े हो ना, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है, आप डिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। तो ये छोटी सी ट्रिक है ना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक के बिना तो आप है ना कोई भी दवा इंसर्ट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक चीज कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। सो कैसा लगा? और भी इस तरह की वीडियो जानने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।